तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का एक्सप्रेशन होता क्या है? मान लो ये अर्थ, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट मास पड़ा हुआ है, मान लो एप्पल है या कोई भी मास है, बहुत छोटा सा मास है। न्यूटन का लॉ ये कहता है कि इस छोटे मास ने अर्थ को खींचना है और अर्थ ने छोटे मास को खींचना है विद इक्वल फोर्स। अर्थ ने छोटे मास को खींचा और वेट लगाया कितना, एम जी, ये फोर्स है। छोटे मास ने अर्थ को खींचा और कितनी फोर्स लगाई, जी, अर्थ का मास, बॉडी का मास और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। इस चैप्टर में अर्थ के डिस्टेंसेस कहां से लिए जाएंगे, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर बाय सेंटर का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो फोर्स क्या बनेगी, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करेंगे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखो इसके ऊपर, फॉर्मूला याद करो। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, इसमें मास किसके है, ये अर्थ का, उस एप्पल का या पॉइंट मास नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट की उसके मास पे डिपेंडेंट है, जितना बड़ा मास होगा प्लैनेट का उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। क्लियर है यहां तक? और अगर आप इसमें जी की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ अर्थ पुट करें, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर होता है ये पुट करें, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज करूंगा फॉर्मूला, तो प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, जिसमें स्मॉल जी को कैपिटल जी की फॉर्म में कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक?